श्री कृष्ण निर्वाण की कहानी। क्षमादान को बलवानों का शस्त्र और अहिंसा का अस्त्र कहा गया है। कहते हैं क्षमादान सिर्फ वही दे सकता है जो अंतरंग और बाह्य रूप में सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है। भालका तीरथ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक शिकारी परम परमेश्वर पर बाण चला देता है और प्रभु उसे क्षमादान दे देते हैं, जिससे वो वैकुंठ को चला जाता है। सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर दूर स्थित श्री कृष्ण निर्वाण स्थल यानी भालका तीरथ की, जहाँ सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग किया था। इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां कर रही है। मान्यता है कि यहां विश्राम करते समय भगवान श्री कृष्ण को जर नामक एक शिकारी ने गलती से तीर मार दिया था, जिसके बाद परम परमेश्वर ने धरती लोक पर अपनी लीला समाप्त कर निज धाम को प्रस्थान कर गए थे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मौत को लेकर एक शिकारी की कहानी के बारे में बताया गया है। कहानी के अनुसार श्री कृष्ण भालका में जंगल में पीपल के एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी एक जरा नाम का शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुंह समझ उनके ऊपर तीर चला दिया। जब शिकारी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाण परम परमेश्वर के पैर में लगा है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को क्षमा करते हुए उसे बताया कि ये उनकी ही राम अवतार में की गई एक गलती के कारण हुआ है। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को बताया कि त्रेता युग में वो राजा बलि था और उन्होंने उसका वध छल से किया था, जिसका ये परिणाम है। बाण लगने के बाद घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूरी पर स्थित हिरण नदी के किनारे पर पहुंचे थे। कहा जाता है इसी जगह पर भगवान पंचतत्व में विलीन हो गए थे। आज भी मौजूद है 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष। भालका भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी रहा हो, लेकिन आज भी पवित्र स्थल करोड़ों कृष्ण भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला धार्मिक केंद्र है। यहाँ लाखों की संख्या में आज भी श्री कृष्ण भक्त हर रोज पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही इसी जगह धरती लोक को त्यागा था, लेकिन आज भी उनके यहाँ होने का एहसास होता है। कहते हैं मंदिर परिसर में मौजूद ये 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष आज भी उनके होने की गवाही दे रहा है। भालका तीरथ स्थान रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वैरावल है। हवाई मार्ग से यहाँ आने के लिए आप राजकोट केशोद हवाई अड्डे तक आ सकते हैं। यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। भालका गुजरात के बड़े शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।